अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दोपहर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने दूध रखा है हमारे को, मैंने रास्ते में इससे ये लेके दिए थे, ठीक है। वो कहती थी कि मामा ये लेके दें, मैंने खाने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा गंदला खाने से अच्छा ये अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। और मैं साथ आटा पकड़ा था। ये देखिए बच्चों को मैं खिलौने से देख गई थी, बच्चों को घर छोड़ के गई थी मैं, और ठीक है इनके पापा वो शॉप पर चले गए हैं, ठीक है। और ये मामा ने नाश्ता भी पूरा नहीं किया, ये देखिए ये छोड़ दिया है। और रात को हमारे छिपली आ गई थी, उस टाइम मैं बहुत तंग के बस स्टोर में घुस गई थी, तो वो जान मास पे चढ़ गई थी, तो जान मास मैंने धो के तो ये डाला है, ठीक है। और बड़ा मसला हो जाता है जब छिपली आ जाए, वो छिपली कहीं बाहर निकल गई है, पता नहीं कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो बस ये सीन चल रहा है। और कल हमारे तोते इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने एक आवाज़ ही निकाली, और ये देखे मामा ने इसके अंदर एक पोनी फेंक दी, ये देखिए ये पोनी फेंक दी है मामा ने, मामा के सारे उल्टे काम है, ये देखे पोनी फेंकी है, ये मेरी फिंगर फंस गई। ये मैंने इसके अंदर कागज़ फेंक के, पता नहीं क्या क्या कर रही है तोतों के साथ, तोते अल्लाह ही इनका हाफिज है, सही। मामा ये खा रही है। बच्चियाँ कार्टून देख रही हैं, सुई में धागा डाल के लाई हूँ, मैंने कहा इसके ट्राउज़र को ना सिलाई मार दूँ, क्योंकि इसका ट्राउज़र ना प्लास्टिक से थोड़ा सा ना ऐसे हुआ हुआ है, तो मैं इसको सिलाई मार के इसको सही कर दूँ, क्योंकि फिर इसके अगर ये पहनेगी तो इसके निशान पड़ जाएंगे, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। मैंने इन तीनों की खांसी से परेशान होकर मैंने आज कावा रख दिया, ठीक है, पकने मैंने कहा ये पक जाएगा, आधा हो जाएगा, तो फिर इन तीनों को दूंगी, ठीक है। और मरियम फातिमा मैमा के मैंने कपड़े चेंज करा दिए, और मरियम के बाद बनाने वाले फातिमा और मैमा के बना दिए, मैंने साथ पिन्ने भी लगा दिए इनको, ठीक है। और ये फातिमा का गला जो मरियम वाइपर फेर रही है, वाइपर फेर रही है, नहीं आप कार्टून देख रही टेढ़े मेढ़े मुंह बना के, आप भी कहते नहीं कैसे मुंह बना रही, गंदे गंदे, अल्लाह माफी दे, ऐसे कभी टेढ़े टेढ़े मेढ़े मुंह किसी ने बनाए, अस्तग़फ़िर अल्लाह। चले मैंने टाफी करके फेर दिया, अब मैं चटाई को खोल दूँ, ठीक है। और साथ जो है ना मैं वो कर दूँ, ये उस बच्चे ने आके फिर फेंके, तो मैंने उसको उठा रही हूँ, ये आके मैं भी सेट करती हूँ चीज़ें वगैरह, मैं कुकर को बंद कर दूँ। ओके मेरे बेटा, मैं स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, पत्ते उतार के डालनी है, हाँ जी। और ये मैं इनको शेक बना के देने लगी बच्चों को, पत्ते उतार के डालिएगा, ठीक है। कितनी डाल दी आपने? अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी शेक दे रही हूँ, सबर कर जाए, बस बेटा बस, और भी डालो, बस बस बेटा, ये डस्टबिन में डालो। ये बच्चों ने मामा ने जो सा है स्ट्रॉबेरी डाल दी है, हम ऐसे चीनी डालूंगी, ठीक है, और फिर बच्चों को बना करूंगी। ये दे रही हूँ ना मैं आपको शेक, मैं करूंगी इसको ऐसे, ये मामा को बस स्कूल से लेके आई थी, मैं साथ ही पकड़ लाई थी, ऑन करें ये वाला, यस। निकाल
गाजर निकाली है, मायनीज निकाली है, केचप निकाली है, और साथ ये मैंने वेजिटेबल्स और पोटैटो और ना मिक्स सब्जियां, इसमें शिमला मिर्च, वन गोभी, गाजर है, ठीक है, साथ इसमें आलू है, साथ इसमें मैंने वो डाला चिकन, ठीक है। तो ये सारा मिक्सचर है, ये मैंने इस पर मैं इसको लगाऊंगी और साथ में बच्चों को बर्गर बना के दूंगी मज़े के, ठीक है। ये बन के मैंने दो पीस कर लिए हैं, चूल्हे के नीचे आग जला दी है, मैं अंडे फेंटने लगी हूँ, ठीक है। नमक में डाल के, ये मैंने नमक में डाल के अंडा फेंट लिया, ठीक है। ऑयल मैंने डाल दिया, मैं थोड़ा सा अंडा डालूंगी, थोड़ा पकाया बाद में डालूंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम अंडे को कर लेंगे, पका लेंगे। ये हमने गरम कर लिए हैं, ठीक है। खीरा हमने काट लिया है, उसके बाद ये अंडे भी हमने कर लिए हैं फ्राई। ये पहले मैंने इस पर ये लगा दिए, ठीक है। इसके बाद हम इस पर खीरे रखेंगे, अब खीरे रखने के बाद मैं इस पर अंडा रखूँगी। मैंने इस पर वो डाल दिए, ठीक है। अब मैं इस पर केचप डाल दूँगी, ओके। और अब मैं इसमें मायनीज लगाऊंगी और फिर ये हमारा पान तैयार हो जाएगा। अपने दिखाएं, मजे के है, मजे का है, यम्मी। आइसक्रीम बन का दे, असर हो गई हुई है यार, मैंने नमाज पढ़नी है। क्या चाहिए आपको? ये मार्क्स कितने की है? ये मैं भाभी की तरफ गई थी तो बच्चों के साथ जोन सा है, हमने पार्क का प्लान बना लिया था तो हम पार्क चले गए, तो काफ़ी बच्चों ने इन्जॉय किया। फिर ये कंटीन सी बनी हुई थी, इधर आ गए, फिर इन्होंने चिप्स लिए और बिस्किट्स लिए, लेकिन मैंने फातिमा मेरी मामा को सिर्फ एक एक बिस्किट ही दिया था और चिप चिप्स नहीं दिए थे। वैसे कह रही थी मामा, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अब ऐसे बेहतियाती नहीं करनी, ठीक है, और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओ, ये चीज़ें बढ़ के नहीं हैं आपकी, क्या नाम है, सेहत से। बस फिर बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, थोड़ा सा खफा हुई थी फिर ठीक हो गई थी। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।